फेसबुक ट्विटर समेत दुनिया भर की कंपनियां कर रही छटनी, लेकिन भारतीय कंपनियां दे रही लाखों युवाओं को नौकरी। दुनिया भर में लोगों की नौकरी जा रही तो भारत में ऑल इज वेल कैसे? दुनिया भर में इन दिनों मंदी से हाल बेहाल है। एक तरफ महंगाई ने कई देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 11,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। ट्विटर ने अपने 75% कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारत में ट्विटर ने 200 में से 180 लोगों को निकाल दिया। स्नैपचैट ने करीब 1,000 लोगों की नौकरियां छीन ली। माइक्रोसॉफ्ट ने भी हजारों कर्मचारियों को बाहर कर दिया। वहीं नेटफ्लिक्स ने करीब 500 कर्मचारियों की नौकरी छीन ली। फेसबुक ट्विटर नेटफ्लिक्स माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने एक तरफ लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, वहीं अमेजन आईफोन वाली एप्पल कंपनी ने हायरिंग को फ्रीज कर दिया है। यानी कि ये कंपनियां अभी किसी नए कर्मचारियों को नौकरी नहीं देंगी। छटनी का ये दौर इसलिए चल रहा है क्योंकि महंगाई और मंदी के दौर में कंपनियों को लगातार नुकसान हो रहा था। दुनिया में बड़ी 30 टेक कंपनियों को जनवरी 2022 से जून 2022 तक करीब 347 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। अनुमान है ग्लोबल लेवल पर टेक मार्केट को करीब 484 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन भारत में हालत इससे बिल्कुल उलट है। पहले जब भी दुनिया में मंदी आती थी तो भारत में भी लोग बेरोजगार होते थे, लेकिन इस बार भारत आत्मनिर्भर बनकर उभरा है। 2022 में इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस और HCL देश की सबसे बड़ी 4 टेक कंपनियों ने 1,05,000 से ज्यादा फ्रेशर्स को नौकरी दी है। 6 दूसरी IT कंपनियों ने 2021 में करीब 2,60,000 युवाओं की भर्ती की। Capgemini कंपनी ने सिर्फ एक साल में भारत में 35,000 लोगों को नौकरी दी। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज साल 2021-22 में 2,32,822 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। 2022 के शुरुआती 6 महीने में रिलायंस ने 1,40,000 लोगों को हायर किया। अडानी ग्रुप यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित 5 राज्यों में 2,00,000 से ज्यादा नौकरियां देने की तैयारी कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हायरिंग सबसे तेज रफ्तार से हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की 57% कंपनियां फ्रेशर्स को हायर करने का प्लान बना चुकी हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर और अक्टूबर में 8.5 मिलियन नई नौकरियां दी गई हैं। सोचिए, एक तरफ फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां नुकसान के कारण लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं, वहीं भारतीय कंपनियां लाखों युवाओं को रोजगार दे रही है। इसके पीछे की वजह है भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था। आज रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद इंडियन इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। दुनिया में महंगाई की मार है, लेकिन अक्टूबर में भारत की होलसेल रिटेल महंगाई दर में कमी आई है। बड़ी बड़ी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, जिससे रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।